बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बाढ़ और बारिश ने कहर जो बरपाया है वो देश भर में इसका प्रकोप दिख रहा है। आज अखाड़ा की शुरुआत इसी से करते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां महाराष्ट्र के अलीबाग में समंदर के बीच में फंसे एक स्विट्जरलैंड शिप से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अखाड़ा में आ रही है, जहां कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से स्विट्जरलैंड के एक नागरिक और क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया। ये लोग मौसम खराब होने के बाद समंदर के बीच में फंस गए थे। ये डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया है, जहां पर स्विट्जरलैंड के कुछ नागरिकों को बचा लिया गया है। समंदर के बीच में फंसे थे ये एक स्विस शिप में, जहां 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कोस्ट गार्ड ने जवानों के जरिए उनकी मदद से ये डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया। जैसे आप देख रहे हैं, खराब मौसम के बावजूद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया। ये शिप खराब मौसम की वजह से फंस गया था, जिसमें अब 5 लोग फंस गए थे। एक एक करके इनको विंचअप करते हुए एयरलिफ्ट किया गया और फिर इन्हें तट पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। ये डेयरिंग रेस्क्यू ऑप की तस्वीरें, जहां एक एक करके इनको इस जहाज से, इस शिप से रेस्क्यू किया गया है। बीच समंदर में फंस गए थे, जहाँ पर एक इनका जो नागरिक है, इस शिप का एक स्विस नागरिक है और क्रू मेंबर्स भी हैं जिनको की रेस्क्यू किया गया है। अब आप देखिए इन तस्वीरों को, जहां एक एक करके, ये स्टैंडर्ड रेस्क्यू प्रोसीजर है, जहां इनको पकड़ के विंचअप करके ऊपर ले जाया गया है विंच के जरिए, और इनको हार्नेस लगाया जाता है, इस हार्नेस से इनको बांध दिया जाता है। लेकिन कोस्ट गार्ड के लिए भी मौसम खराब होने के बावजूद शिप को स्टडी, हेलीकॉप्टर को स्टडी रखना और लिफ्ट करना, आप देख सकते हैं कि ये क्रू मेंबर महिला हैं जिनको कि अब लिफ्ट किया गया है। तो एक एक करके सबको रेस्क्यू किया गया है, कम से कम 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से एक बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक कि ये स्विस नेशनल है, भारतीय मूल का नहीं, स्विस मूल का है। ये स्विट्जरलैंड की शिप थी, मर्चेंट वेसल थी जो फंस गई थी, जहां अब इनको धीरे धीरे ऊपर ले जाया गया है। अगर आप कुछ तस्वीरें देखें तो कोस्ट गार्ड के कुछ लोग भी नीचे और शिप के कैप्टन भी वहां दिख रहे हैं डेक पर, इनकी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करते हुए। ये लोग मौसम खराब होने के बाद समंदर में फंस गए थे, अब समंदर के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर की मदद से ये रेस्क्यू किया गया है और कोस्ट गार्ड देवदूत बनकर आए हैं। महाराष्ट्र से अब रुख करते हैं दिल्ली का, जहां दिल्ली में बाढ़ का संकट आ सकता है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर वार्निंग जोन के आसपास पहुंच गया है। प्रशासन की तरफ से एहतियातन नाव और मोटरबोट तैनात कर दिया गया है। वहीं उधर हथनी कुंड बराज से एक बार फिर पानी छोड़ा गया है। कल जहां 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, आज 80,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जलस्तर बढ़ता जाएगा। आपको सूचित किया जाता है, यमुना किनारे रह रहे जो भी लोग हैं, कृपया करके यमुना से दूर हो जाएं, अपने बच्चों व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जिला अधिकारी ईस्ट साहब की तरफ से आपको सूचित किया जाता है, यमुना का लेवल तेजी से बढ़ रहा है, कृपया करके यमुना से दूर रहें। सभी लोगों को सूचित किया जाता है, पानी का जलस्तर लगातार रात में तेजी से बढ़ेगा, कृपया करके सब ऊपर चले जाएं, पानी किनारे कोई ना आए। पानी का जलस्तर लगातार तेजी से रात में बढ़ेगा, कृपया करके सब ऊपर चले जाएं, पानी किनारे कोई ना आए। अपने बच्चे व अपने मलेशियों को लेकर सब ऊपर चले जाएं, पानी किनारे कोई ना आए।
ये अनाउंसमेंट यमुनानगर हरियाणा में किया जा रहा है, तो यमुना के तट पर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ये वार्निंग रेगुलरली की जा रही है। अब वहीं दिल्ली से अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के सांबा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। यहां पानी की तेज धार में एक कार बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार खिलौने की तरह 2 किलोमीटर दूर तक बह गई। घटना की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, आनन फानन में मशीन की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार लहरों के बीच से कार को बाहर निकाला गया। ये देखिए आप देख रखते हैं हैवी अर्थ मूवर और इसकी मदद से कार को बाहर निकाला गया, लेकिन ये कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ये कार 2 किलोमीटर बह गई। ये रहे कार के पुर्जे अंश जो बचे हैं। पानी का बहाव इतना तेज कि एक गाड़ी को 2 किलोमीटर दूर तक बहा ले गया और आखिर में बचा इस गाड़ी में क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ स्क्रैप के लायक है। अब इसको फिर स्क्रैप यार्ड भेजना पड़ेगा, लेकिन पानी के बीच में से आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद इसको बाहर निकाला गया है। आप सोच सकते हैं कि ये सैलाब, ये पानी का बहाव कितना तेज होगा कि 2 किलोमीटर दूर ये गाड़ी बह गई। अब वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पानी का प्रहार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। मैदानी इलाकों में पानी का कब्जा है तो पहाड़ों में जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की जान को आफत में डाल दिया है। पहली तस्वीर आपको अब दिखाते हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। यहां एक पुल ही पानी में डूब गया, जिसकी वजह से लोग अब जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अरनिया में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है और सैलाब लोगों के घर से लेकर खेत तक जा घुसा है। अगली तस्वीर गुजरात के सूरत की है। यहां भारी बारिश के बाद तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी का भी कुछ अलग नज़ारा नहीं है, कुछ ऐसे ही वहां पर भी परिस्थितियां हैं। यहां भी मूसलाधार बारिश के बाद निचला इलाका सैलाब में डूब गया है। कुल्लू में तो नेशनल हाईवे नंबर 5 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा ही ढह गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में सैलाब लोगों के लिए दहशत की वजह बना हुआ है, तो कर्नाटक के कोप्पल में तो पूरा का पूरा गाँव ही पानी में डूब गया है। अब मैदान हो या पहाड़, हर तरफ बारिश और बाढ़ का सैलाब देखने को मिल रहा है। पानी के रौद्र रूप का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बारिश के बाद सड़कें समंदर बनती जा रही हैं और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। सड़क पर आया सैलाब, सैलाब में बही कार, पिकनिक के चक्कर में फंसी जान। जम्मू कश्मीर के सांबा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मुलत गांव में एक कार अचानक सैलाब में 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक बहती चली गई। सैलाब में बही कार का ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। सैलाब कम हुआ तो ट्रैक्टर की मदद से कार को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश के बाद आए सैलाब में सड़कें समंदर बनती दिखी, जिसकी तस्दीक करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं, जहां भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां डूब गई। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के एक पुल के नीचे से पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जबकि कुछ गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई। बताया गया कि कई लोग वहां पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वहीं फंस गए। आसमान से आफत की शक्ल में इतनी बारिश हुई कि वहां मौजूद गाड़ियां पानी में डूब गई। सैलाब में जो गाड़ियां फंसी उन्हें निकालने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने रस्सी के सहारे कार को पानी से बाहर खींचा। काफी देर तक चले रेस्क्यू के बाद लोग एक कार को बाहर निकालने में कामयाब रहे। सैलाब की ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी सामने आई, जहां
बारिश के बाद सड़क पर खड़ी एक कार पलट गई। पहली बार देखकर लगा कि कार किसी नदी के भंवर में फंस गई है, लेकिन जब कार एक खंभे से जाकर टकराई तो तस्वीर कुछ साफ हुई। ये तस्वीर किसी नदी की नहीं बल्कि देश के सबसे खूबसूरत शहर की सड़कों की है, जहां सैलाब के बीच कार पलटकर किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। मंगलवार को हुई बारिश के बाद आए सैलाब में फंसे कार सवार ने किसी तरह दरवाजा खोला, तब भी कार सीधी नहीं हुई। बमुश्किल कार ड्राइवर किसी तरह बाहर निकला और खंबे का सहारा लेकर अपनी कार पर बैठ गया। उस वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आदमी कार से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ये हाल सिर्फ एक कार का नहीं हुआ बल्कि कई कार ऐसे ही पानी में डूबी दिखाई दी। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद झालावाड़ में काली सिंध डैम में 11 गेट खोलकर 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये तस्वीरें डिंडोरी मध्य प्रदेश से हैं, जहां एक पुल के ऊपर पूरा पानी भर गया। अब लोगों को जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने की आवश्यकता पड़ गई है। ये इन तस्वीरों में आप पानी के बहाव को देखिए कि मंदिर जो तट पर बने हुए हैं वो ही अब पूरी तरह से भर गए हैं, और ये लोगों को पुल के ऊपर से अपनी जान को जोखिम में डालकर पैदल पार करना पड़ रहा है। तेज बहाव में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़े ध्यान से जोखिम उठाकर जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को तो अपनी बाइकों पर भी ध्यान रखना पड़ रहा है। देखिए कैसे पकड़कर दो आदमी एक बाइक को ढकेलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है। हिमाचल में आसमान में लगातार आफत बरस रही है। कहीं पहाड़ तरक रहे हैं तो कहीं बादल फट रहे हैं। मुसीबत का आलम यह है कि हिमाचल में 24 घंटे के अंदर 3 जगह बादल फट गए, जिसके बाद बर्बादी का ऐसा सैलाब आया कि उसके सामने जो भी आया वो बह गया। फटा बादल, मची तबाही। डर का पहाड़, बह गए रास्ते। पानी पानी, मुश्किल में जिंदगानी। लगातार हो रही बारिश के बाद हिमाचल पहले से ही भारी भरकम परेशानियां झेल रहा है। इस बीच कुल्लू जिला के आनी गोगरा में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद आए सैलाब में 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बाद आई बाढ़ से पुराने बस स्टैंड में 10 से ज्यादा दुकानें बह गईं। वहीं कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसके बाद प्रशासन ने भारी बारिश के चलते एक दिन के लिए सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया। ये फ्लशिंग ऑपरेशन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है और कल 6:30 बजे तक जारी रहेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया नदी के किनारे ना जाए, ताकि कोई भी किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। पहाड़ पर जल प्रहार, मंडी पर पड़ी पानी की मांग, खिसकता पहाड़, नदियों में सैलाब। हिमाचल के मंडी में मॉनसून इस कदर मेहरबान हुआ कि अब वो लोगों की जान पर मुसीबत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद ब्यास का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद पंडोर डैम के कई गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोलते ही अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। हिमाचल के मंडी जिले में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 84 रोड जो है वो ब्लॉक्ड हैं, उसमें से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, बाकी सारे लिंक रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं, और
ट्रांसफार्मर्स जो है वो बिजली के 529 इस टाइम शट डाउन चल रहे हैं, जो बरसात की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से चारों तरफ बर्बादी के वीडियो सामने आ रहे हैं। निचले इलाके में इतना पानी भरा है कि सड़कें डूब गई हैं और कारें पानी में तैरती नजर आईं, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। जबकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कई जगह जमीन धंसने से मलबा सड़क पर आ गया और वॉल्वो बस समेत एक ट्रक इन पत्थरों की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। वहीं बाढ़ के खतरे के बीच बिजली के उत्पादन को भी बंद कर दिया गया है। बताया गया कि मंडी में बारिश की वजह से 500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप हो गए और 84 सड़कें भी बंद हो गई हैं। लोगों को आने वाले दिनों में भी राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने मंडी जिले में अभी और बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही उफान पर बह रही नदियों से भी दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर 4-लेन टनल को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया। दो गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं। गनीमत रही कि इन गाड़ियों में कोई सवार नहीं था। लगातार बढ़ रहे खतरे के बाद टनल वाले रास्तों को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर लिया गया है।